कहां से शुरू करें? पिछले साल के शो से इस साल के शोज में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है, क्योंकि पहले मैं एक डीजे सेट प्ले करा करता था उस पर, तब मैं और सिर्फ सेक्शन 8 होते थे। इस साल हम इसलिए भी कर पाए उसको काफ़ी अच्छे से क्योंकि पूरा बैंड साथ था और हर एक इंसान की एक्सपर्टीज लगती है, वो सारे के सारे काफ़ी प्रोफेशनल पॉलिश्ड हैं, 12-13 साल से कर रहे हैं म्यूज़िक, और मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ करते हुए, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें स्टेज नॉलेज मिली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और अभी जो नेक्स्ट टूर होने वाला है, जो वर्ल्ड टूर होने वाला है, उसमें वो सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, तो यही एक बहुत बड़ा चेंज है। मेरा बैंड, मेरे लोग, मेरी बैकबोन है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान की बैकबोन चली जाए तो फिर कुछ भी नहीं हो, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ पता लगा। और मेरा ये टूर पे पहली बार मैंने बैंड के साथ परफॉर्म करा, पहला एक्सपीरियंस था मेरा, और मुझे इतना अलाइव फील हुआ कि मतलब मैं, मुझे आप स्टेज पर चढ़ा के रखो, मतलब वो वाली चीज़। हर बार ऐसा हुआ है हम स्टेज पर, और जब गाना खत्म, जब शो खत्म होने की बारी आई ना, तो लोगों के चेहरे पे उदासी आ गई और उन्होंने कहा नहीं जाने दो, नहीं जाने देना, तो वो एक बड़ा इमोशनल फैक्टर होता है। और दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती जब आपके साथ आपका बैंड होता है, तो क्योंकि हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है, और आप मेरे को ना, मैं ज़्यादा खेलता हूँ स्टेज पे, मुझे और खेलने का, घूमने का मन करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पीछे मुड़ूंगा तो मेरे को दानिक दिख जाएगा, पीछे मुड़ूंगा तो मेरे को डैन दिख जाएगा, इधर जाऊँगा तो मेरे को सेक्शन दिख जाएगा, इधर जाऊँगा तो मुझे शुभ दिख जाएगा, सब लोग मेरे अराउंड है, तो मुझे अकेला फील नहीं होता। इतने लोगों के आगे यार कभी कभी घबराहट होती है इंसान को कि यार पता नहीं गलती ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऑल दो इन्होंने मुझे बनाया, ऑल दो मैं इतना फिक्र करता भी नहीं हूँ, बट कभी ना कभी एक वो रहती है कि यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, तो ऐसे में जब ये लोग होते हैं ना तो बड़ा अच्छा फील होता है। मैं ढूंढू तुझे, कहाँ छुप के तू, आई भर के जवानी तेरी बॉडी में, या तो मेरे घर आ जा, करेंगे हम ज्यादा कुछ नहीं बेबी, बस थोड़ा थोड़ा आग लग जानी, जान के जान तू जान से बढ़ कर है मेरी, मैं थोड़ा तेरी, तू थोड़ा थोड़ा तो सारा मेरा। शुभ हमारा बड़ा ही क्रेजी गिटारिस्ट है, और मैं उससे भी बहुत जल्द लेसन्स भी लेने वाला हूँ गिटार के, सो दैट मैं अगले टूर पे, मेरी कोशिश है जो वर्ल्ड टूर होने जा रहा है उस पर मैं सोलो वोलो मारूँ। मेरा बड़ा वो है, अभी बड़ा सेक्सी गिटार खरीदा है उसने, तो वो है डैन, ड्रम प्ले करता है हमारा, ड्रमर है, बहुत ही क्रेजी, बहुत ही क्रेजी। वो मेरी, मेरे को ऐसा लगता है मेरी हार्ट बीट है वो, जब वो प्ले करता है तो। और दैनिक हजार बेसिस, जब से आया, अभी न्यूली ही वो आया है बैंड में ज्वाइन हुआ है, और जब से वो आया एक अलग सी बेसलाइन आ गई है जिंदगी में, विराज विराज और स्टेज पे भी ना आपको ऐसा दिखेगा एकदम काम एंड कंपोज, बट उसकी उंगलियां बातें करती हैं, वो जब प्ले करता है उसकी उंगलियां बातें करती हैं।
वो मेरी लाइफ का बैकग्राउंड म्यूजिक है एक्चुअली, पीछे कीज दे रहा होता है, मुझे और फीलिंग आ रही होती है. तो इस पूरे टूर में कितनी जगह, कई लोगों को लगता होगा कि हम कुछ प्रिपेयर करके चढ़ते हैं स्टेज पे, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है. हम सिर्फ अपने गाने प्रिपेयर करके चलते हैं, उसके अलावा एवरीथिंग इज रॉ एंड अनकट एंड रियल. जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, जो भी मैं चीते कर रहा हूँ, अभी मुझे पता है कि कितनी सारी रील्स मिलियंस में जा रही हैं. अपने सपने खुद बनो, बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें पता है अब मुझे किसी चीज का मलाल नहीं है. सबके लिए माफी है, जो हुआ जो रहे जो गए सबके लिए माफी है, कुछ नहीं मेरे पास, सिर्फ प्यार है. कि बेटा गलती है ना अगर तुम्हारी, तो सबसे पहले झुक के माफी मांगना, और अगर गलती नहीं है ना तो छुपा देना. क्योंकि देखो हर कोई ना बड़े बाप का बेटा नहीं होता, तो हमारे जैसे होता है जो गांड घिस के आगे आता है. बहुत आसान है किसी को नीचे गिराना, पता है, और बहुत हिम्मत चाहिए किसी को ऊपर उठाने के लिए. मैंने इसलिए नहीं करी कि वो वायरल होंगी, वो सारी बातें इसलिए करी क्योंकि उस मोमेंट में मुझे वो फील हो रहा था. और मेरी कोशिश ये रही कि इतने लोग जो सुनने आए ना यार, मैं मान सकता हूँ कि बहुत लोगों के लिए बहुत सारी बातें बेबुनियाद होंगी, बट कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा होता है. मैं भी जब शोज देखने जाता था ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि कोई आर्टिस्ट ऐसी बात करे जिससे मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, और मैं भीड़ में छुप के उन लोगों को देख रहा होता था, मगर मुझे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी सुनने को. तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जब जाऊँ, मेरा बैंड जब हो, हम वो बातें करें जो उस मोमेंट पे फील हो रही हैं, और लोगों को ये चीज़ पता लगे कि ये कोई रोबोट नहीं है, ये कोई ऐसा, हर चीज़ परफेक्ट नहीं है. उनको ये चीज़ फील होनी चाहिए कि स्टेज पे ये बंदा खड़ा है परफेक्ट नहीं है, हमारी तरह गलतियों से बने हैं. तो जो चीज़ फील हो रही है वो बताते हैं, और पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरी लाइफ का चल रहा होता है, पीछे बिराज लगा पड़ा होता है अपनी कीज़ पे, ये सारी चीज़ें, वो बातें और अच्छे से निकल जाती हैं. और कई बार मैं ही बड़ा शौक हो जाता हूँ कि ये क्या बात बोलती है, हम सब ऐसे हो रहे होते हैं. ओह माय गॉड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 8, एवरीबॉडी नोज ही इज़ माय डीजे प्रोड्यूसर, एंड वो तो है ही अपना चीता बचपन से. तो बट इस बहुत अच्छे से उसने भी इम्प्रूव करा टाइम के साथ, और मेरी उससे और एक्सपेक्टेशन हैं, और जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतर रहा है बहुत अच्छे से. ये इंडिया टूर हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से करा, एंड आई एम डैम श्योर कि जो हम इंडिया से अब जा रहे हैं, अब वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं, हम झंडे गाड़ेंगे, हम वी गोना क्रिएट हिस्ट्री. If you're the fucking prize on my I'm coming for you. जब जिगर जले तब तब आंखों में आग उठे, जब शिखर चढ़े तब एक को देख के लाख जुटे, जब कदर करे मेरी रूह तो ये जज्बात लुटे, राजा शब्दों की कीच से जब भी उठे बेताब उठे. कभी कभी टूर में ऐसा हुआ है कि कोई स्टेज हिट करने से पहले मैं किसी स्टेट में, और मैं बड़ा लो सा फील कर रहा हूँ, और मैंने स्टेज पे भी कई बार ये बात बोली है, यार मैं आया था तो बड़ा लो था, बट मैं यहाँ आया तो, क्योंकि मेरे हिसाब से वो 24 घंटे में से वो एक घंटे होता है जो मैं परफॉर्म करता हूँ ना, 1.5 घंटे, वो एक टाइम होता है जब मैं अलाइव होता हूँ बहुत ज़्यादा. उससे पहले आई एम जस्ट अ डेड सोल, आई डोंट नो. मैं कभी कभी बहुत हाइप्ड अप होता हूँ, कभी कभी बड़ा लो होता हूँ, बट मैं जितना हो सकता है मेरा पूरा जो दिन होता है शो से पहले का, वो बहुत ही ज़्यादा काम एंड कंपोज रहने की कोशिश होती है, और कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती कि जाके खलारा पा दिया और शो की कोई टेंशन नहीं है. मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे को हमेशा ये रहता है कि यार मैं यहाँ लोगों के लिए आया हूँ. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी एंड एवरीथिंग एल्स, इट्स अबाउट द पीपल, कि इतने लोग आ रहे हैं तो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर. मैं अपनी टीम को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों हज़ारों लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस टाइम पर. मैं एक रीज़न दे रहा हूँ कि वो लोग क्यों सुनते हैं मुझे और क्यों देखने जा रहे हैं, तो इट्स अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैं जितना टाइम मेरे को मिलता है, मैं बड़ी प्यारी एक नैप लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अपने आप को काम रखूँ स्टेज से पहले. स्टेज पे जब मैं चला जाता हूँ, जब मैं स्टेयर केस जब भी क्रॉस कर रहा होता हूँ, जब भी गोल्ड डिगर स्टार्ट हो रहा होता है, बस स्विच, मैं फिर मैं नहीं रहता, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता. Kingsclan, for Kingsclan.
मतलब अब वो मोमेंट आ चुका है, बहुत जल्दी आ गया मेरी जिंदगी में कि जहाँ मैं स्पीचलेस हो गया हूँ उस चीज़ को लेके कि मैं इनके लिए क्या बोलूँ. मतलब यार सिर्फ गाने ही तो हैं, सिर्फ गाने ही तो हैं 3 मिनट के 3.5 मिनट के. बट वो कब किसी ज़िंदगी में कैसे हो जाए, वो कब आपका हिस्सा बनना चाहे, मेरे लिए मैजिक ही है जो हो रहा है. हार्ड वर्क मैं गिनता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को अपने काम से बहुत प्यार है, तो मैं स्ट्रगल और ये सारी चीज़ें गिनता नहीं कि कितना करा कितना क्या नहीं करा. मैं बस ये मोमेंट गिनता हूँ कि मैं अब यहाँ पर हूँ और ये सारी चीज़ें सच हैं. मैं अपने आप को यही बिलीव कराता रहता हूँ क्योंकि मेरे को आधा टाइम बिलीव ही नहीं होता कि कोई एक वर्ड लेकर आता है कि किंग्स क्लैन, और वो चीज़ इतनी पावरफुल हो जाती है, वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो ओवरसीज हो जाती है, नॉट इन ओनली इन इंडिया. तो मेरे लिए मेरा सपना पूरा करने वाला है किंग्स क्लैन. दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट माई किंग्स क्लैन. एंड इसके आगे तो कुछ है ही नहीं मेरे पास उसके लिए बोलने के. बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी किंग. मैं नहीं जाता ऐसे बाहर, तो मुझे नहीं पता कि कितना लोग गाना सुनते हैं, कितना फेमस हूँ या क्या हूँ. वो नंबर्स और वो सारी चीज़ें बता रही होती है मेरे को. मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं पता क्योंकि या तो काम कर रहे होते हैं या तो फिर आराम कर रहे होते हैं. तो ऐसे में जाने में बहुत ओवरवेलमिंग लगता है. और इतने सारे इस बार तो लिटरली मतलब मेरे घर में जगह नहीं है गिफ्ट्स रखने की जो मेरे को इस टूर के दौरान मिले. और क्या नहीं लोगों ने अपने एंड से हैंडमेड गिफ्ट्स हो गए और पता नहीं क्या क्या एक्सपेंसिव चीज़ें लेकर आए. मतलब जिसकी शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं वो भी लेकर आए, और जिसकी शायद मुझे बहुत ज़रूरत थी वो भी लेकर आए. जैसे मुझे आई मास्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो मेरे लिए एक बड़ा क्यूट सा एलियन वाला आई मास्क मेरे को गिफ्ट करा गया. हैट्स मेरा पहनने का शौक चढ़ा तो मुझे लोगों ने देखा और हैट्स मेरे लिए लेकर आए. तो काफ़ी सारी चीज़ें, मैं रिंग्स पहनता हूँ तो किसी ने मेरे को लुधियाना में मेरा शो था, किसी ने मेरे को गोल्ड की रिंग गिफ्ट करी. ऑल दो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, बट प्यार है, यू कैन नॉट से नो. और यार ये चीज़ें बड़ी वो लगती है कि मेरे को कभी लाइफ में ऐसे गिफ्ट्स नहीं मिले. और अब मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर इट फील्स लाइक अ फैमिली, इट फील्स लाइक होम. हर स्टेट में मैं ये बात बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर आ गया हूँ. बड़ा प्यार मिल रहा है अर्पण को. मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया. My favorite song is तू मान मेरी जान. मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा. अरे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा. बिहाइंड द सीन मेरी पूरी एक्सो विजुअल्स पूरी टीम है, और उस टीम में अभी तो एक मेरी वीडियो शूट ही कर रहा है दैट्स कार्तिक. एंड हमारे साथ दीपित है, मिहिर है हमारे साथ. और एक्सो विजुअल में एक सीन हुआ था कि जब हम टूर कर रहे थे तो कार्तिक थोड़ा बीच में बीमार हो गया था. अब पता नहीं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बहाना बहाने मारता है, सच में बीमार हो जाता है. बट वो लेजेंड बीमार हो गया था तो उस टाइम पे हिमांशु आया था ऑन बोर्ड, फिर हिमांशु ने संभाला. तो ये चीज़ बहुत अच्छी है एक्सो के बारे में कि ये सब लोग ना एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को लेके. तो इनको पता है कि ये विजन है, ब्लूप्रिंट, किंग्स क्लैन, एक्सो, है ना, एवरीबडी एल्स, मी, हम सबको पता है कि अगर कोई चीज़ एक हुई तो उसके पीछे कोई और आके उसको बैकअप कर देगा और ठीक कर देगा. और बहुत ही उम्दा तरीके से इन लोगों ने कैप्चर करा, इनफैक्ट ये मोमेंट भी, क्योंकि मुझे अब ऐसा फील होने लगा है कि जो भी बात हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें दिख रही हैं कैमरे पे, ये सारी ना क्या बोलते हैं उसे, जो पुरानी उसमें आपके शामिल हो जाती हैं चीज़ें, हिस्टोरिकल है बेसिकली. आई डोंट नो, 10-20 साल बाद शायद कोई देखे इसे और वो रिलेट करे या भी से रिलेट करे लोग. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बिहाइंड द सीन जो लोग इन चीज़ों को कैप्चर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा लोगों को कि क्या हुआ और कैसे हुआ. जैसे अभी हम ये मोमेंट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इतना कुछ करने के बाद. शाउट आउट टू माय ब्लूप्रिंट, श्वेता, भव्या, चिरांशु ठाकुर, दिन रात एक कर दिया इन लोगों ने, दिन रात, लिटरली दिन रात एक कर दी उस चीज़ को बनाने के लिए. माय बैंड मैनेजर अंकित, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दीज पीपल आर सो स्मार्ट कि ये बैठते हैं और ये मेरा विजन समझते हैं और ये उस पर और ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन करते हैं. और
श्वेता तो इज लाइक, अगर मैं जाके बोलूंगा ना कि मुझे 10, ये 10 मेरा विजन है, तो वो बोलेंगे नहीं 100 क्यों नहीं है विजन। एंड मेरा सारा साउंड और मेरा सारा विजुअल्स जो इतना क्रेजी हो गया है और जिसको देख के और ज्यादा फील आती है मुझे खुद परफॉर्म करते हुए, दैट्स मेरा सारा, ये पूरा इंजीनियरिंग मेरा सारा कुछ हनीश ने संभाला है, शाउट आउट टू हिम, और पूरी शैंपेन टॉक मिक्स एंड मास्टर हनीश ने करी है, सो ह्यूज शाउट आउट टू हिम। बहुत ही मेहनती इंसान है, बहुत ही प्यारा बेचारा, ना बोलना नहीं जानता, बस मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद कम मेहनत करता हूँ, ये इंसान इतना काम करता है। एंड देयर इज अमय भाई, मैं इसी टूर पे मिला, मुझे पता लगा कि वो क्या चीज़ है अपने लेवल पर, तो वो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ है। हर्ष भाई से मैं मिला, चिल गाय, बहुत ही क्रेजी अपने काम को लेके, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छे मेरे हिसाब से वो चीज़ें, और वो भी वैसे ही है कि अगर मैं बोलूँ ना मेरा विजुअल का ये, मेरा ये विजन है इस चीज़ को लेके कि ये गाना ऐसे खुले और ये चीज़ें हों, तो दे नो इट एंड दे वॉन्ट डू इट, सबसे अच्छी चीज़ है। तो उनका ये था कि हमने बहुत आर्टिस्टों के साथ काम करा, बट तुम्हारे साथ हमें वो गैप वो लगता है कि मतलब करा जा सकता है, इट्स डूएबल विद किंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय पीएसओ सुमित, इसकी वजह से इसका बहुत बड़ा हाथ है कि ये सारी चीज़ें पूरी अच्छे से हो पाई और मैं सही सलामत रह पाया, हर टूर पे टाइम पे पहुंच पाया और हर चीज़ मैंने स्टेज पे सारी चीज़ें केयरफुली हुई। और अब आई नो वो थोड़ा शर्म आ जाएगा ये वीडियो जब देखेगा तो, बट हाँ यार, मतलब जिसने सोल की, मेरी आत्मा का ध्यान तो लोगों ने रख लिया, बट मेरे शरीर का ध्यान उस इंसान ने रखा और मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत अच्छा लड़का है। एंड आई लव हिम, आई लव एवरीवन एल्स इन माय टीम, एंड यस इट्स ऑल लव। मैं जब 10 की एक्सपेक्टेशन लेके जाता हूँ, 100 की बात होती है ना, तो मेरी भी फट जाती है। मैंने कहा है अच्छा ऐसा हो सकता है जो कि अभी 2023 में लोगों को देखने को मिलेगी, वो मेरी एक्चुअली 10 की एक्सपेक्टेशन थी जो 100 में कन्वर्ट हो गई है और अभी आप सब लोग देखने वाले हो इंटरनेशनली क्या होने वाला है। तो वही है, शाउट आउट टू ब्लूप्रिंट, शाउट आउट टू किंग्सक्लैन, आई एम नथिंग विदाउट देम, लाइक इन सब का ही बनाया हुआ हूँ मैं एक प्रोडक्ट हूँ जो इन सब का बनाया हुआ हूँ। बस अब ये जहाँ जहाँ लेके जाएंगे, जो जो करेंगे वो सब करेंगे अपन। तो दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट माई ब्लूप्रिंट टीम, माई किंग्सक्लैन, एक्सो विजुअल्स, यू नो, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस टूर, दिस इंडिया टूर अ ह्यूज सक्सेस, वन ऑफ इट्स काइंड। और मतलब ये चीज़ प्रूवन फैक्ट है ऑन पेपर्स के 2022 में जो टूर हुआ इंडिया टूर, ऐसा इंडिया टूर आज तक नहीं देखने को, बहुत कम देखने को मिला ऐसा इंडिया टूर। तो मैं उन बहुत कम आर्टिस्टों में आ सका इतने लोगों की वजह से, मेरी टीम की वजह से, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और मैंने वो एसेंस, वो हर वो मोमेंट जिया है, मेरे लिए ये चीज़ बुढ़ापे में भी मेरे को याद रही अच्छे से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मेमोरी क्रिएट करी है। और आई होप जितने लोग इस टूर को देखने आए उनके लिए भी वो मेमोरी क्रिएट हुई हो कि उनकी जवानी में उन्होंने वो किंग के गाने सुनते थे और उन्होंने किंग को आके परफॉर्म करते देखा और उन्होंने भी फील करा किंग अपने अंदर खुद को लेकर। तो यही है, आई एम जस्ट थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। हाँ, आई फील अलाइव, आई फील किंग।